सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। अब डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। टू मच फन। हथकड़ी पहना के लेके चलो, इसमें किक। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं समझ में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सलमान खान की फिल्म किक से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों किक हिंदी भाषा में बनी एक एक्शन फिल्म थी जो 25 जुलाई 2014 को ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणदीप हुड्डा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई बड़े एक्टर्स नज़र आए थे। इनके अलावा फिल्म में नरगिस फाकरी भी आइटम सॉन्ग यार ना मिले में कैमियो करती नज़र आई थी। इस फिल्म से साजिद नाडियाडवाला ने अपने डायरेक्शन कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा इस फिल्म को साजिद ने ही प्रोड्यूस भी किया था। ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई रवि तेजा की तेलुगु फिल्म किक की ही रीमेक थी। दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया, मीट ब्रॉस अनजान और योयो हनी सिंह ने मिलकर कंपोज किया था। फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने उस साल सुपरहिट हुए थे। इनमें से एक गाना हैंगओवर खुद सलमान खान ने ही गाया था। गैस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले थे, यहाँ तक कि पॉपुलर वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के ओनर तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए थे और पहले से ही इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया था। इसके अलावा फिल्म दर्शकों को भी खूब पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों अब इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस फिल्म का कुल बजट था 140 करोड़ रुपये, इसमें प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। दोस्तों किक फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 232 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अलावा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में 402 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। दोस्तों अब सलमान खान की फिल्म किक से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की बात करें तो ये साल 2014 में रिलीज हुई दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। साल 2014 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आमिर खान की फिल्म पीके थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 854 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। इसके अलावा ऑल टाइम ओपनिंग डे और पहले हफ्ते के कलेक्शन के मामले में भी किक दूसरे नंबर पर रही, क्योंकि पहले नंबर पर आमिर खान की ही फिल्म धूम 3 थी। इतना ही नहीं, किक सलमान खान के कैरियर की भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जिसने साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके अलावा ये सलमान खान के कैरियर की 7वीं ऐसी फिल्म भी थी जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी। इसके साथ साथ ये सलमान खान के कैरियर की पहली ऐसी फिल्म भी थी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ कि किक पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी और वहाँ भी इस फिल्म ने जमकर कमाई की थी। पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पहले ही दिन की कमाई के मामले में आमिर खान की फिल्म धूम 3 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर रही ही, साथ में कई अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। इस फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी में कुल मिलाकर 24 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें से ये फिल्म 11 अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। गैस फिल्म में देवीलाल सिंह नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है जो लोगों की छोटी छोटी मदद करके उसमें किक ढूंढता है, लेकिन उसे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। एक बार वो पड़ोस की बच्ची झुमकी की जान बचाता है जिसे सीरियस बीमारी होती है। उस बच्ची को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो ठीक होकर स्माइल करती है तो इसमें देवीलाल सिंह को बेहद ही खुशी मिलती है। इसके बाद डॉक्टर के कहने पर वो ऐसे ही गरीब बच्चों की मदद करने के लिए अमीर और करप्ट लोगों के यहाँ चोरी करना शुरू कर देता है।
दोस्तों इस फिल्म का कॉन्सेप्ट दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था, यही वजह थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो पाई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो इस फिल्म को हर हाल में करना चाहते थे। उन्हें लगा था कि इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और इसके बाद उनकी छोटी फिल्में भी चलने लगेंगी। नवाजुद्दीन की ये बात सच निकली और इस फिल्म ने नवाजुद्दीन को एक बड़ा स्टार बना दिया। दोस्तों इस फिल्म के एक सीन में सलमान खान बॉलीवुड की लेट एक्ट्रेस दिव्या भारती की फिल्म विश्वात्मा के एक गाने सात समुंदर पार पर डांस करते नजर आते हैं। आपको बता दें दिव्या भारती किक फिल्म के ही डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला की पहली पत्नी थी, जो सिर्फ 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट देने के लिए साजिद ने सारेगामा कंपनी से इस गाने के राइट्स 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये तेलुगु फिल्म किक की रीमेक थी, जिसके हिंदी रीमेक के राइट्स साजिद नाडियाडवाला ने काफ़ी पहले खरीद लिए थे। सलमान खान से पहले साजिद इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए ओरिजिनल लीड हीरो रवि तेजा को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके अलावा शुरुआती दौर में साजिद इस फिल्म का डायरेक्शन साउथ के जाने माने डायरेक्टर AR मुरुगा दोस से कराने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद इस फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मा शिरीष कुंदर को दिया गया था, जो इससे पहले सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म जानेमन और अक्षय के साथ ही फिल्म जोकर का भी डायरेक्शन कर चुके थे, लेकिन बाद में साजिद ने ये प्लान चेंज कर दिया और खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने का मन बनाया। गए सलमान खान से पहले डेविल के रोल के लिए सबसे पहले अक्षय कुमार और सैफ अली खान से बात की गई थी, लेकिन बाकी फिल्मों में बिजी होने की वजह से दोनों ने ही इस फिल्म के लिए मना कर दिया। बाद में ये रोल सलमान के पास गया। इनके अलावा जैकलिन फर्नांडिस से पहले दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और इलियाना डीक्रूज को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण से सभी ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। बाद में ये रोल जैकलिन के पास चला गया। दोस्तों इस फिल्म में सौरभ शुक्ला ने जैकलिन फर्नांडिस के पिता और सलमान खान के फादर इन लॉ का किरदार निभाया है, जो असल में सलमान खान से सिर्फ 2 साल ही बड़े हैं। गैज इस फिल्म में सलमान खान को पहली बार फ्रेंच दाढ़ी में देखा गया था। इससे पहले सलमान किसी भी फिल्म में फ्रेंच दाढ़ी में नजर नहीं आए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के सीक्वल किक 2 पर भी काम कर रहे हैं और इस फिल्म का डायरेक्शन भी साजिद नाडियाडवाला ही करेंगे। ये फिल्म क्रिसमस 2021 के मौके पर रिलीज की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का नाम डेविल भी फाइनल किया जा सकता है। दोस्तों किक फिल्म से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी आने वाली वीडियोस और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।